हाँ बेटा, देखिए आज से आपका क्लास स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन। क्लास 11 मैथ का वीडियो बनाया जा रहा है बेटा, और मैं आज आपको लेके आया हूँ बेटा अनुक्रम तथा श्रेणी। जैसा कि बेटा आप पढ़े होंगे, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे अनुक्रम पढ़े हैं, जिसमें आपका समांतर श्रेणी रहा बेटा। केवल समांतर श्रेणी पढ़े हैं इसमें बेटा, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, गुणत्ता श्रेणी पढ़ेंगे और हरात्मक श्रेणी पढ़ेंगे, 19 श्रेणियां होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बेटा उसी से रिलेटेड अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम को हमें कहते हैं बेटा सीक्वेंस, एंड श्रेणी को बेटा कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं बेटा? सीरीज कहा गया है। तो यदि देखा जाए बेटा आपका, तो अनुक्रम क्या होता है? जैसे बेटा आप बात करें कि हम मान लें कि माना आपका बेटा A1 कामा A2 कामा A3 कामा बेटा A4 डॉट डॉट हियर, ये आप देख रहे हैं बेटा। मान लो कि जो तुम्हारा किसी को अनुक्रम का जो डेफिनेशन होता है बेटा, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो एक क्रम को पालन करता है। क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम का मतलब होता है बेटा जैसे आपका 1 2 3 4 डाटा, तो देखो ये क्रम का पालन कर रहा है बेटा। ध्यान से देखिए 1 2 3, जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा। और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे आपका 3 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10, ये सारे संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो क्रम का पालन करता है। किसका पालन करता है? क्रम का, ठीक ना? तो उसे हम कहते हैं बेटा अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम। जैसे मान लो कि हमने मान लिया बेटा इसमें कि A1 A2 A3 A4 .A, ये जो तुम्हारा दिखाई दे रहा बेटा अनुक्रम है जो नीचे नियम से मिलकर बना हुआ है, भाई अनुक्रम है। हमने सपोज कर लिया ये तुम्हारा सीक्वेंस है। क्या है बेटा आपका? ये सीक्वेंस है। तो आप इसमें देखेंगे तो हम ये कहेंगे बेटा कि जो A1 है, जो आपका A1 है अनुक्रम का पहला पद, बात तो सही है, जो A1 है यह अनुक्रम का पहला पद है कि नहीं बेटा है। और यदि हम बात करें A2 की बात करें तो यह अनुक्रम का बेटा अनुक्रम का दूसरा पद है। ध्यान रखिए मैंने आपको क्या बताया, ठीक ना? तो मैंने आपको पहले अनुक्रम के विषय में बता दिया, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो एक क्रम निश्चित नियम का जो पालन करता है वही तुम्हारा सीक्वेंस है। मान लीजिए तुम्हारा A1 A2 A3 A4 .A सीक्वेंस है जो एक निश्चित नियम से, निश्चित नियम का पालन करता है। तो हमारा जो A1 है जिसे अनुक्रम का पहला पद कहा जाता है, और A2 जो है इसे अनुक्रम को क्या कहा जाता है बेटा? इसे अनुक्रम का दूसरा पद कहा जाता है। तो इसी तरह बेटा आपका सब कहेंगे कि बेटा इसी तरह अनुक्रम का तीसरा पद कहलाएगा A3, और A4 कहलाएगा अनुक्रम का
चौथा पद का जाएगा बेटा, ठीक ना। और जो हमारा एन है तो बेटा जो एन होगा तुम्हारा, ये जो एन होगा तो अनुक्रम का एनवा पद है। अनुक्रम का क्या है? अनुक्रम का एनवा पद, ठीक ना। अनुक्रम का क्या है? एनवा पद। तो बेटा इसमें हमने आपको बता दिया। अब देखो एक एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको बता दिया। यदि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल की यदि बात हम करें, अनुक्रम की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो मेरा बेटा ये क्या हो, ठीक। तो देखेंगे जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10। तो इसमें आप देखेंगे 3 और 5 कितने का डिफरेंट मिला है, तो आप देखेंगे 2-2 का है। 5 में से 3 निकालो तो 7 में से 5 निकालो तो 9 में से 7 निकालो तो यह एक अनुक्रम है। क्या का अनुक्रम है। और दूसरी चीज जैसे और एग्जाम्पल मिलेगा, यदि अनुक्रम को बताना हो बेटा तो आप जैसे इसमें अनुक्रम बताना तो निश्चित क्रम का पालन करता है, तो कहने का मतलब है कि अनुक्रम में तो बेटा जैसे इसमें आप देखेंगे 2-2 का है, ठीक है। अनुक्रम कितने का बेटा आपका 2-2 का है। और जैसा हम 7 हो गया, 7 हो गया तुम्हारा, 3 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया बेटा, तो आप देखेंगे ये किसी क्रम का पालन नहीं कर रहा है। देखो ये किसी क्रम का पालन कर रहा है। 3 में से 7 निकालें तो -4 आ जाएगी, तो 5 में से 3 निकालेंगे मतलब 5 में से 3 निकालेंगे, इस तरह निकलता है। तो डिफरेंट जो हमारा डिफरेंट है वो सेम नहीं है, तो ये बेटा अनुक्रम नहीं है, ये लो ये यस है बेटा। तो आपने अनुक्रम पढ़ लिया। अब तुम्हारा है काइंड्स ऑफ सीक्वेंस। बात कर बेटा काइंड्स ऑफ सीक्वेंस की। काइंड्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की बात हम करें, अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम, अनुक्रम के प्रकार की मैं बात करूं। तो बेटा अनुक्रम आपके 2 होते हैं। अनुक्रम कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। एक परिमित अनुक्रम होता है, फाइनाइट, पहला आपका बेटा फाइनाइट सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस, ठीक बेटा। और दूसरा होता है बेटा अपरिमित अनुक्रम, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट, जिसे क्या कहते हैं बेटा इनफाइनाइट सीक्वेंस, सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब होता है परिमिति बेटा, परिमिति, परिमित का शब्द से परिमित। और अनुक्रम, अनुक्रम और इसे हम कहेंगे अपरिमित। अनुक्रम ठीक, तो ये तुम्हारा जो हो गया, ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। अब बात ये आती है कि मेरा फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या है। तो आप देखेंगे बेटा इसमें जो फाइनाइट सीक्वेंस है, इस अनुक्रम में आप देखेंगे कि पदों की संख्या सीमित होती है, सीमित। इसमें आपका ये
इसका भाग क्या कह रहा है, इस अनुक्रम में, तो इस अनुक्रम में, अनुक्रम में पदों की संख्या सी, पदों की संख्या जो होती है वह सीमित होता है। पदों की संख्या क्या होता है, सीमित होता है, ठीक। और जैसे आपको हम बता दें बेटा कि जैसे 2, 4, 6 डाटा 100, तो इसमें जो पदों की संख्या है 2 से लेकर 100, तो इसमें पदों की जो संख्या होती है निकाला जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें पदों की संख्या, ठीक है, तो यार बराबर की जैसे a प्लस यार माइनस वन इंटू, अब पढ़े में क्लास 10 में पढ़े होंगे, तो अंतिम पद कितना है 100, ए आपका 2 है, यह हमको निकालना है, डी 4 से को निकालता तो कितना हमारा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 100 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 100 बाई 2 इक्वल टू n हो गया 50, तो इसमें कितने पद बेटा 50। तो आपको बेटा मैंने बता दिया ना कि जो फाइनाइट जो सीक्वेंस होता है, मतलब जो परिमित जो अनुक्रम होता है, वह इस अनुक्रम में पदों की जो संख्या है वह सीमित होता है, सीमित सीमित होता है। तो इसमें हमने एक एग्जांपल बता दिया बेटा 2, 4, 6, 8, 100, तो इसमें पदों की जो संख्या कितनी है 50 है बेटा। और एक बात आता है इनफाइनाइट सीक्वेंस में, बात इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो इस अनुक्रम में पदों की जो संख्या होती है अपरिमित होती है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जैसे जो कभी समाप्त नहीं होता, जैसे 1, 2, 3 डाटा, यदि हम एक ही बात करें 1, 2, 3 डाटा की बात, तो इस अनुक्रम में पदों की संख्या क्या है इसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिनोगे तो वह तुम्हारा क्या है फाइनाइट सीक्वेंस है, और जिसको नहीं गिन पाओगे वह क्या है इनफाइनाइट, क्या है बेटा इनफाइनाइट है, समझ गए बेटा। अब बात ये आती है बेटा, ध्यान से समझिए, ये मैंने बता दिया बेटा, अब अनुक्रम का निर्धारण, अनुक्रम का निर्धारण, देखिए अनुक्रम का निर्धारण क्या है, बात को ध्यान से समझिए बेटा, अनुक्रम का निर्धारण, अनुक्रम का निर्धारण, यदि निर्धारण, तो अनुक्रम का जो निर्धारण होता है रिप्रेजेंटेशन, जो अनुक्रम का जो निर्धारण होता है, तो जैसे आपको हम कह दें कि यदि प्राकृतिक सम संख्याओं का अनुक्रम, यदि प्राकृतिक प्राकृतिक सम संख्याओं का, सम संख्याओं के अनुक्रम, सम संख्याओं का, संख्याओं के जो आपके अनुक्रम है, अनुक्रम जो अनुक्रम बेटा आता है वह 2 है, 4
चार है, छह है, आठ है, दस है, नौ है, ठीक बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम निर्धारण कैसे करते हैं? तो यहां पर हम देखेंगे बेटा कि हमारा जो A1 है बीजगणितीय दोष होता है बेटा, मान लो A1 आपका 2 है और A2 कितना है बेटा 4 है, A3 कितना है बेटा 6 है, ठीक है बेटा, और A4 कितना है 8 है डाटा, मतलब कहने का मतलब इसी तरह आपका। तो इसमें आपने देखा तो बेटा या इस तरह डाटा आपका हो गया है, ठीक है। तो दूसरी चीज आपको हम बता दें बेटा कि अब जैसे इसमें आपका इसी प्रकार बेटा यदि देखा जाए, ठीक बेटा, जैसे यदि A1 तो यहाँ पर जो चीज आप देख रहे हैं बेटा, जैसे A1 की बात करें तो 1 × 2 हो गया तुम्हारा, ठीक, कितना हो गया बेटा 2 हो गया, ठीक। और आपका दूसरे की बात आप करें A1 इक्वल 2 हो गया तुम्हारा, तो इसको आप बात करें बेटा तो यह 2 × 2 कितना हो गया बेटा आपका 4, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार देखो A1 A2 A3, तो A3 की मैं बात करूं तो बेटा तुम्हारा 2 × कितना हो गया 3, ठीक बेटा, समझ रहे हो। जैसे A1 A2 A3, ठीक है, जैसे ये आपका पहला पद, जैसे इस तरह भी समझ सकते हैं इसको, देखो इसको इस तरह लिखो तो अच्छी तरह समझ में आएगा। A1 = 2 है तो ये बेटा आपका 2 × 1 हो जाएगा, तो ये कितना है 2, ये पहला पद, क्या हो गया पहला पद हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा A2 = 4 है तो 2 × 2 तो बराबर कितना बेटा आपका है, जो आपका आएगा तो 4 ही आएगा, तो हम कह सकते हैं दूसरा पद है, क्या है बेटा दूसरा। A3 की बात करें तो A3 कितना है बेटा आपका 6 है, तो 2 × कितना बेटा 3, 6 है, ठीक है, तीसरा पद, क्या बेटा आपका तीसरा पद है, समझ रहे बेटा। तो इसी तरह बेटा आपका बढ़ता जाएगा, और इसी प्रकार बेटा यदि बात करें तो इसी प्रकार हमारा जो है बात किया जाए तो An = 2n, देखो An = 2n मतलब क्या है यहां पर समझने की कोशिश करें तो यार इक्वल टू तुम्हारा जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो बेटा आप यार के लिए 1 रखें तो पहला 2 मिलेगा, हमारी बात है समझ, यार के लिए 1 रखें तो पहला कितना मिलेगा 2, ठीक, फिर एन की जगह 2 रखिए 2 × 2 = 4 मिला, फिर एन की जगह कितना रखेंगे 3, 3 × कितना 6 हो गया। तो ये जो आपका है एनवा पद, तो ये जो आपका कहा बेटा आपका, तो इक्वल टू जो तुम्हारा एन है ये एनवा पद, क्या बेटा आपका एनवा पद। और आपको मैं बताऊं यह एक प्राकृतिक संख्या है, जहां हमारा यन है एक प्राकृतिक, एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक क्या है संख्या है। तो आप यहां ध्यान रखिए एन तो हमें कह सकते हैं बेटा, तो हमारा क्या है, तो मतलब कि तो अनुक्रम को बेटा हमने क्या किया, तो अनुक्रम को जो हमने दिखाया अनुक्रम को An = nवा, मतलब कहते An = nवा पद √2n, हमारी बात ध्यान से व्यक्त कर सकते हैं, से व्यक्त
से व्यक्त कर सकते हैं। हमसे अनुक्रम को एन इक्वल एनवा पर ठीक एनवा पर द्रव द्रव्यमान से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि बात किया जाए बेटा, यदि बात किया जाए तो आप देखेंगे अब इस सूत्र की सहायता से हम बेटा कुछ सवाल करेंगे। इस सूत्र की सहायता से यदि हम कहें ध्यान के यदि हम आपसे ये कहें कि बेटा यदि इस अनुक्रम का 50वां पद कितना होगा, मतलब ये कहा है ये कहा है, यदि हम यह पूछे कि इस अनुक्रम का 50वां पद कितना होगा, 50वां पद कितना होगा, इसका क्या जवाब? तो इस अनुक्रम का 50वां पद कितना होगा, तो देखिए तो हमारा जो एन इज इक्वल टू क्या है, एन है, तो एन की जगह कितना रखेंगे 50, तो ए 50 इज इक्वल टू 2 × 50, तो हमारा हो गया बेटा ए 50 इज इक्वल टू 100 हो गया बेटा। तो 50वां पद जो है मेरा कितना होगा 100। तो आपने यहां एक चीज सीख लिया बेटा, यह बहुत अच्छे, देखो मैंने आपको बताया कि जैसे हमने एक अनुक्रम का निर्धारण करना बताया, इसमें कैसे निर्धारण करूंगा, तुम्हारे यदि प्राकृतिक सम संख्याओं का अनुक्रम हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 और यहां पर हमने लिखा क्या है, आप देखें यहां लिखी क्या है, A1 इक्वल टू 2A1 हुआ है, 2 का रिवर्स देखो, और A2 इक्वल टू 4 लिखा है, 2×2 ठीक है। इसी तरह अब यहां पर भी इसका A1 इक्वल टू 2N इक्वल टू L N और पहचान है प्राप्त सकते हैं ठीक ना। तो अब यहां पर देखिए यदि हम कहें कि इस अनुक्रम का 50वां पद है तो A1 इक्वल टू 2N बस N की जगह 50 हो जाएगा ठीक है बेटा। अब इसके बाद बेटा आपका जो है कल मैं आपको श्रेणी बताऊंगा बेटा, जितना मैंने आज पहला वीडियो था कल मैं आपको अनुक्रम आज बता दिया, कल मैं आपको श्रेणी बताऊंगा और कुछ हम आपको इस पर आधारित सवाले कराएंगे बेटा। थैंक यू।